सुनहरे भविष्य का सपना लेकर कई युवा देश के अलग अलग हिस्सों में रीवा से गए हुए थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर, लेकिन लॉकडाउन ने उन्हें उसी जगह पर कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अब इन्हें घर की याद आ रही है, साथ ही कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ युवा इंदौर भोपाल में फंसे हुए हैं, आज इनके सब्र का बांध टूट रहा है। हमारे साथ इंदौर से कुछ युवा हैं जो पिछले एक महीने से इंदौर में फंसे हैं। इनके पास रोजमर्रे की सामग्री भी नहीं बची है। हमने ऐसे कुछ युवाओं से बातचीत की। सौरभ, क्या है आपकी समस्या, जरा दर्शकों को भी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले एक महीने से इंदौर ज़िले में फंसा हुआ हूँ। मैंने काफ़ी बार प्रयास किया है कि मैं इस शहर से निकल सकूँ, पर स्थिति के अनुसार मैं शायद यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे रीवा के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे और मेरे दोस्तों को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सर, मैं पिछले एक महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसी तरह परमिशन ग्रांट कर दी जाए, क्योंकि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी अभी से एक हफ्ते पहले, जिनका निधन 12 अप्रैल को हुआ था। मैं उनके अंतिम संस्कार तक में पहुँचना नसीब नहीं हुआ मुझे। सर, मेरी मैंने ई पास के जरिए भी कोशिश की कि मैं अपना पास क्रिएट करवा सकूं ताकि मेरे को घर जाने का मौका मिल पाए, लेकिन ई पास से भी कुछ हुआ नहीं, कुछ हासिल हुआ नहीं। ई पास भी मेरा रिजेक्ट हो गया। मैं चाह कर भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाया अपने घर वालों की। मेरी दादी की 13वीं और बरसी है 24 तारीख को, मैं उसमें भी शायद ना पहुँच पाऊँ। मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से और हमारे मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से कि सर, हमारी सिचुएशन दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। मैं अकेले रह रहा हूँ, मुझे खाने पीने से रिलेटेड बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि मेरे से खाना बनाने आता नहीं है। मैं जब नॉर्मली इंदौर में रहता था तो मेरे यहाँ कुक लगा हुआ था। मैं पिछले एक महीने से ओट्स और नॉर्मल जो खाना बॉईल करके बनाया जाता है, मैं उसमें ही पल रहा हूँ। सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी मानसिक प्रताड़ना। सर, दिन प्रतिदिन अकेले रह रहे के घुटने इंसान को एक घुटन सी महसूस होने लगी है। रात रात भर नींद नहीं आ रही है, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, लोगों से बात करने की इच्छा खत्म होती जा रही है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमें जल्द से जल्द इस शहर से निकाला जाए ताकि हम अपने घर पहुंच सके। एज पर द गाइडलाइन, जो भी सरकार हमें नियम के पालन या मेडिकल जांच के आदेश देती है, हम उसमें पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सौरभ, धैर्य रखिए, अपना ख्याल रखिए। सौरभ जैसे और भी कई युवा इंदौर में हैं, प्रबल भी इन्हीं में से एक है। आइए चलते हैं प्रबल के पास और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम प्रबल है, प्रबल श्रीवास्तव, और मैं रीवा से हूँ। आजकल मैं इस खतरनाक सिचुएशन में इंदौर जैसे शहर में फंसा हुआ हूँ। जिस दिन जनता कर्फ्यू था उसके अगले ही दिन मेरी ट्रेन की टिकट थी जिससे मैं रीवा जाने वाला था, लेकिन सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने बसेज और ट्रेन्स को कैंसिल किया, जो काफ़ी हद तक सही भी था, और उसकी वजह से हम इंदौर में ही फंस गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि घर पर मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं और मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो रखा है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं। तो कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, तो मेरे पापा को अकेले बाहर जाना पड़ता है, और मेरी मम्मी बहुत टेंशन में है कि मैं इस सिचुएशन में यहाँ पर अकेले फंसा हुआ हूँ, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं इस लॉकडाउन को, और यहाँ अकेले मुझे ना खाना बनाते आता है ना कुछ करते आता है, और इस छोटे से कमरे में हम बंद हैं और किसी तरह से यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिशें की हैं कि पुलिस प्रशासन के थ्रू या किसी और के थ्रू हमें किसी भी तरह से घर जाने की परमिशन मिल जाए, लेकिन हर तरफ से असफलता ही यहाँ था। ये तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे रीवा के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सर किसी भी तरह से कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने गैस हर चीज़ की बहुत दिक्कतें हैं। इनफैक्ट हमें पीने का पानी तक नीचे पास की टंकी से भर के लाना पड़ता है और फिर हमें उसे 6-6 फ्लोर तक चढ़ाना पड़ता है, 20-20-30-30 लीटर के कैन। तो हमें ज़रूरतों के लिए भी यहाँ पर बाहर जाना ही पड़ रहा है, और जिस तरह यहाँ इंदौर की सिचुएशन है, हमने ये पाया है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम कई बार देखते हैं कि बालकनी से हमने कई बार देखा है कि यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों का आवागमन लगा हुआ है और लोग बाहर निकल रहे हैं, जो यहाँ पर लॉकडाउन होने के बाद भी हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम सेफ हैं। और मेरा एक दोस्त है जो अकेले रहते रहते हॉस्टल के रूम में बंद हुए हुए डिप्रेशन में जाता जा रहा है। उससे मुझे रोज़ एक बार बात सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है कि वो कम्प्लीटली मेंटल डिप्रेशन में ना चला जाए। तो सर मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त है कि कुछ भी करिए, कैसे भी करके हमें एक परमिशन दिलवाइए जिससे कि हम अपने घर पहुंच सकें सेफली और हम किसी भी तरह से यहाँ से निकल सकें। क्योंकि सर जैसे खाना बनाना नहीं आता वो दाल चावल और मैगी के अलावा कुछ बना नहीं सकता, और यहाँ पर तो सब्जियाँ तक नहीं मिल रही हैं। तो इसके आगे अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रबल, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, इसी हिम्मत से कोरोना भागेगा। निश्चित ही इन युवाओं की समस्या है और इंदौर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले गंभीर भी हैं, लेकिन आप सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार आपके साथ है और कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।